है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ना मैं जस्ट एग्ज़ाम दे के आई, जस्ट अभी जल्दी हो गया था। 9 बजे एग्ज़ाम था, 10 बजे था, और अभी फ़िलहाल 11 बजे। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, -4 है, धुआं भी निकल रहा है। और तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स हो गए। और पता, मेरे इस एग्ज़ाम में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी अच्छा चला गया। तो अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं सोची थी कि जब तक मेरा एग्ज़ाम चल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ भी, मतलब जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, मैं वो नहीं खाऊंगी। तो फाइनली एग्ज़ाम्स हो गए और अच्छे भी हो, तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ खा सकती हूँ। मेन तो पता 3 सब्जेक्ट का था, मतलब साइकेट्री, फार्माकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मेन था फार्माकोलॉजी का, वो मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई की थी और वही सबसे अच्छा गया। मतलब न्यूरोलॉजी भी बहुत अच्छा गया, लेकिन मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी इसमें, और साइकेट्री भी ठीक ठीक है। बर्फ़ भी जा चुकी है, लेकिन बारिश हो गई थी ना, उस कारण ये जो बर्फ़ है वो क्या कहते हैं, वैसी टाइप की हो गई है, स्लिपरी टाइप की। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलते पता, उसमें होती ना, उसमें उतनी ज़्यादा फिसलन नहीं होती, उतना ज़्यादा नहीं फिसलते जितना ये ट्रांसपेरेंट वाले में फिसलते हैं। शॉप है ना, ये बहुत पुरानी शॉप है, मतलब बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, 50-60 ऊपर। इतना टेस्टी टेस्टी केक आइसक्रीम मिलता है ना, रुको मैं दिखाती हूँ। ना इतना यम यम होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, दिखाऊंगी घर जाके। अभी फिलहाल अभी मैं घर जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पार्टी भी करूंगी। मैंने ना बहुत टाइम से बाहर का खाना छोड़ दिया, घर में कुछ भी खाती रहती हूँ, मतलब जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है मेरे, क्योंकि ये वाला सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं 4th ईयर में आगे थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। और अभी हाँ, घर जाके देखती फिर मैं क्या करती हूँ। केक कुछ ऐसा दिखता है, बहुत टेस्टी होता है पता है, अलग ही टेस्ट रहता है इसका। जब मैं एग्ज़ाम देके आई थी ना, तब मेरा फेस एकदम ब्लैंक था, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि स्केल यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की होती है, मतलब 2 तक तो फेल होता है, 3, 4, 5, 5 मतलब एकदम एक्सीलेंट होता है। और वैसे ओरल एग्ज़ाम होता है तो कितने भी क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है, और अगर टीचर को तुम्हारा आंसर पसंद आता है ना, तो फिर वो इस हिसाब से मार्किंग देता है, 3, 4 या 5। जैसे ही उसने मतलब ऐसे मार्किंग दी ना 5, तो एकदम मेरा फेस ऐसे ब्लैंक हो गया। मैं बोली हैं, एकदम से उसने ऐसे दिया। वह थोड़ी टाइम तक ना बाहर जब मैं थी ना, तो मेरा चेहरा देखा होगा कैसे एकदम ब्लैंक था, लेकिन अब ना धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, हाँ वो हो गया, एग्ज़ाम हो गया है, सब ख़त्म हो गया, अब छुट्टी हो जाएगी 1 हफ्ते की, खुशी हो रही है यार। मैं ना सोचे अभी चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि शाम को वैसे ही अंधेरा हो जाएगा और इतनी ज़्यादा ठंडी भी बढ़ जाएगी। अभी तो स्नो भी गिर रही है, बारिश भी हो रही, दोनों एक साथ, तो मन नहीं करेगा, बहुत आलस आएगा। और मैं कल से थोड़ी सी सोई थी, मतलब सोई थी लेकिन कम सोई थी, तो मेरे को नींद और आने लगेगी, बहुत आलस आएगा। और छुट्टियाँ भी है, कुछ करने को है नहीं, आलस ही करूँगी मेरे को पता है, तो अभी चली जाती हूँ। ये देखो दोपहर टाइम आओ ना, तो ऐसे खाली रहता है यूजुअली। अपॉइंटमेंट होके आया ना मैं, मतलब मैं आई, मेरे को लगा कि एक शॉप है, उसमें 3 लोग हैं तो 2 का प्राइस देना पड़ेगा है। मैं सोची शॉपिंग कर लेती, लेकिन वहाँ पे वो स्कीम चली गई थी और इतना महंगा महंगा, मैं बोली रहने तो मैं अगली बार आऊँगी, इतना पैसा नहीं है अभी मेरे पास। मैं जब तक कुछ खा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। इसको 100 रुपये दो तो ये ट्रेन चलेगी, क्या फ़ायदा, फालतू में 100 रुपये मेरे वेस्ट चले जाएंगे। पता आधे से ज़्यादा दुकान, ये देखो आधे से ज़्यादा ऐसी दुकान तो बंद ही है, मन ही नहीं कर रहा फिर। मेरे को मन था कुछ खरीदने का, सब चौपट हो गया।
सोची थी एक टॉप ऑफ कुछ भी ले लूँगी, कुछ कपड़ा तो ले लूँगी। पता चिंदी सा एक टॉप, एक चिंदी सी टी शर्ट थी, वो भी 400 रुपए की और एकदम बेकार सी। मैं बोली रहने दो फालतू में, पैसे वेस्ट करने से तो अच्छे हैं, वेस्ट करने से अच्छा ही है कि कुछ मैं खाने का सामान ले लेती हूँ। घर में रहूँगी तो बहुत खाने वाली हूँ, तो मैं ग्रॉसरी स्टोर जाती हूँ। मैं बोलने वाली थी कुछ रिकॉर्ड करने से पहले और वो चीज़ हो ही गई। मतलब मैं ये बोलने वाली थी, जो ये स्नो है ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट परत है इसकी और एकदम ध्यान से चलना पड़ता है। तो मैं ये बोल रही थी कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटेगी, ध्यान भटका और दुर्घटना घटी। और वो लड़की ना फिसल गई। मैं बोली, ये बोलने वाली थी कि आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या होता, अगर मेरी लेफ्ट वाली आँख फड़कती और मैं ऐसे बोल देती हूँ ना तो वो सच हो जाता है, और जो राइट आँख अगर फड़कती और कुछ होता तो सच में गलत हो जाता है। और जैसे मैं बस बोलने वाली थी, दुर्घटना घटी और वो लड़की फिसल गई। भाई मैं बोली इंट्यूशंस आजकल मेरे सही सही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे को ग्रीन वाली ये शिमला मिर्च चाहिए थी, नहीं तो लाल और पीली है, जो चाहिए रहता कभी मिलते ही नहीं है। हर चीज़ को प्रिजर्वेटिव कर देते हैं। प्याज है, शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था। एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं, लगा के पूरी जान किया फिर शुरू लिखना कोरे से। एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की दीवारें जुनून से गिराई, आज किया है। के काम मेरा भारी, मेहनत की ये रातें रहेंगी अभी जारी, जो लोग देते साथ उन सबका मैं आभारी। सुबह मेरी भूखी पर मैं हूँ शाकाहारी, बीमार ये समाज मुझे खींच रहा पीछे, जब भी देखूं ऊपर ये बोले देख नीचे, दबाते ये आवाज को मेरे इस अंदाज को, मत करो कुछ नया बढ़ाते इस रिवाज को। इन लोगों की इन सोच पे आती है अब हंसी, क्यों 9-5 के चाल में ये दुनिया है फंसी, जब करना कुछ क्रिएटिव तो हंसते सारे मुझ पे, क्योंकि सोच है पुरानी और सेम है सबके रास्ते, न टैलेंट की कदर हर बात में जिक्र, जो बढ़ता मेहनत से आगे उसको कैसी है फिक्र। मत मानो इनका कहना, तुमको है चुप रहना, तुमको अपनी ही गति से चुपचाप शांत है बहना। शुरुआत जब की तो जिंदगी में कम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं, लगा के पूरी जान, तेरी सोच है अलग, तुझे सक्सेस की है चुन, तू है सबसे अलग, तू सबसे पावरफुल, ये दिमाग की भड़ास, क्यों है होता तू उदास, तू नहीं यहाँ अकेला, हौसला है तेरे पास, जिंदगी की ये उलझन ना होती है खत्म, चलता सिक्का उसका जिसकी बात में हो दम, तू देख अपनी मंजिल कितनी है तुझसे दूर, तू है असली योद्धा जो लड़ने पर मजबूर, जब आएगा मेरा वक्त किस्मत भी होगी सख्त, फेलियर को भी मैं दूंगा कुछ ऐसे ही शिकस्त, सामने है मेरे यार मेरे सपनों की तस्वीर, जो चाहता अपनी मंजिल सहता है हर वो पीर, चाहे दर्द मिले या आंसू बदलनी है तकदीर, मेरी मेहनत है हथियार जैसे हो एक शमशीर।